Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 4th. तो एक बार फिर से बच्चों आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है. आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 वेस्ट डिस्पोजल, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बच गए हैं उन क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं, 9, 10, 11 और जो ट्रू फॉल्स और जो क्रॉसवर्ड पजल है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. पिछली क्लास में हमें एक बार क्या पढ़ा था देख लेते हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये क्वेश्चन पढ़े थे. तो क्वेश्चन कौन कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, उनके आंसर क्या थे. वाई इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस इन विलेज लेशर, यानी कि गाँवों में जो वेस्ट मटीरियल होता है उसकी मात्रा कम क्यों होती है, वो कम मात्रा में क्यों बनता है. तो आंसर हमने मैंने आपको बताया था कि इन विलेजेस वेस्ट मटीरियल जैसे कि मेटल की फॉइल्स, पॉलीथीन के बैग्स, प्लास्टिक मटेरियल्स यानी प्लास्टिक का जो सामान होता है वो कम मात्रा में यूज होता है, इसलिए जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कम बनता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज कंपोस्ट फॉर्म्ड, जो कंपोस्ट होता है वो किससे कैसे बनता है. आंसर था बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, ट्री लीव्स, फूड स्टफ एक्सेट्रा डम्प्ड इन अ पिट एंड कवर्ड विथ सॉइल. इन अ फ्यू डेज दिस वेस्ट इज कन्वर्टेड इन टू कम्पोस्ट, यानी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, खाने का सामान, इन सबको क्या किया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसको रेत से ढक दिया जाता है और कुछ ही दिनों में ये वेस्ट किस में बदल जाता है, कम्पोस्ट में बदल जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, Why is biogas a better fuel? यानी जो बायोगैस होती है वो एक अच्छा ईंधन क्यों होती है. तो मैंने आपको बताया था कि बायोगैस इज इको फ्रेंडली एज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एंड ऐश, क्योंकि जो बायोगैस होती है वो पर्यावरण के अनुकूल होती है और ना तो ये ज्यादा धुआं और ना ही राख जो है प्रोड्यूस करती है यानी पैदा करती है, इसलिए बायोगैस को क्या कहते हैं, बेटर फ्यूल. फिर क्वेश्चन नंबर 8, वॉट आर द 3 R's, यानी 3 R क्या होते हैं. तो मैंने आपको बताया था 3 R's क्या होते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3 R का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. तो ये तो हो गए पिछली क्लास की बात. अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे और साथ ही साथ ट्रू फॉल्स और क्रॉसवर्ड पजल. क्वेश्चन नंबर 9th है, मेंशन टू वेज ईच ऑफ रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग द वेस्टेज. अब क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि आपको रिड्यूसिंग करने के लिए और यूजिंग रीयूजिंग करने के लिए, किस कोई वेस्ट है अगर उसको रिड्यूस करना है यानी कम करना है और रीयूजिंग यानी उसको फिर से इस्तेमाल करना है, तो उसके आपको दो तरीके बताने हैं. तो हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को कैसे रिड्यूसिंग कर सकते हैं और कैसे रीयूजिंग कर सकते हैं, उसके दो तरीके क्या क्या हो सकते हैं. तो देखो आंसर क्या होगा, टू वेज ऑफ रिड्यूसिंग द वेस्टेज आर, यानी कोई वेस्ट है उसको अगर कम करना है तो उसके दो तरीके क्या हो जाएंगे, कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग फॉर अ शॉपिंग. अगर आप सामान खरीदने के लिए जा रहे हो तो या तो आप कपड़े की थैली लेके जाओ या फिर जो जूट का बैग आता है मार्केट में वो उसमें उसे लेकर जाओ और शॉपिंग करो. सेकंड है, अवॉइड ईटिंग फूड पैकेट इन प्लास्टिक बॉक्सेस, ऐसा खाना जो प्लास्टिक बॉक्स के अंदर पैक किया गया है उस खाने को नहीं खाना चाहिए. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक तो इससे प्लास्टिक का क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का रिड्यूसिंग हो जाएगा यानी प्लास्टिक कम होगा. ठीक है, अब है रीयूजिंग, टू वेज ऑफ रीयूजिंग द वेस्ट आर. ठीक है, अगर कोई वेस्ट है उसको रीयूज करना है यानी फिर से उसका इस्तेमाल करना है तो कैसे कर सकते हैं, यूज एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स एंड जार्स फॉर स्टोरिंग फूड, यानी अगर आपको खाना स्टोर करना है तो आप क्या करो, खाली प्लास्टिक की बोतल या फिर जार है उसका इस्तेमाल करो. दूसरा हो जाएगा, यूज क्लोथ नैपकिन फॉर हैंडकरचीफ इंस्टेंट ऑफ पेपर टिश्यू फॉर वाइपिंग हैंड्स, यानी कि आप क्या करो, जो कपड़े का नैपकिन या फिर रुमाल होता है, पेपर टिश्यू, जो टिश्यू पेपर होता है उसकी जगह आप क्या करो, उसका इस्तेमाल करो हाथ पोंछने के लिए. हाथ पोंछने के लिए आप किसका इस्तेमाल करो, कपड़े का नैपकिन या फिर रुमाल. ठीक है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह कपड़े का रुमाल या फिर नैपकिन का यूज करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिसाइकलिंग, नेम एनी टू वेस्टेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड. अब यहाँ पर
क्वेश्चन 10 है कि रिसाइकलिंग क्या होता है, आपके हिसाब से रिसाइकलिंग से आप क्या समझते हो, और आपको ऐसे दो वेस्टेज के नाम बताने हैं जिसका अपन रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आंसर में हम लिखेंगे रिसाइकलिंग इज द वे ऑफ कलेक्टिंग यूजेबल वेस्ट मटेरियल्स एंड यूजिंग देम फॉर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक एल्यूमिनियम आर टू वेस्टेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड। अब देखो रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग वो तरीका होता है जिसमें हम जो ऐसा सामान जो यूजेबल हो, ठीक है, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो काम आ सकता है उसको कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं उससे न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उससे नए प्रोडक्ट्स नए उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक एल्यूमिनियम। ठीक है, दो एग्जांपल भी आपसे पूछे गए थे, प्लास्टिक एल्यूमिनियम आर टू वेस्टेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम ऐसे दो वेस्ट मटीरियल, ऐसे दो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग, यानी रिसाइकलिंग के क्या क्या फायदे हैं, यानी अगर आप ऐसा वेस्ट मटेरियल जो काम का है उसको फिर से इस्तेमाल करते हो नए प्रोडक्ट में तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उन फायदों को हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे रिसाइकलिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ रॉ मटीरियल That must be obtained to make a new product. यानी recycling से क्या होता है, जो कच्चा material होता है, जो कच्चा सामान है उसका amount कम होता है जो कि नए product बनाने के लिए प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मान लो aluminium से, जहाँ aluminium का use होता है, ठीक है, अब और aluminium चाहिए तो हम क्या करेंगे, धरती को खोद करके निकालेंगे, ठीक है, माइनिंग करेंगे। पर अगर पहले से कहीं पे यू पड़ा है, फेंका हुआ है अगर मान लो कोई एल्यूमिनियम, तो हम उसका यूज वहां पर कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें नया एल्यूमिनियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जो कच्चा मटेरियल है उसको प्राप्त करने के लिए हमें माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा रिसाइकलिंग का फायदा, इसे रॉ मटेरियल जो कि नए पदार्थ बनाने के लिए, नए उत्पाद बनाने के लिए निकाला जाता है उसकी मात्रा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। Recycling reduces the amount of raw materials that must be obtained to make a new product. ठीक है, अब ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अ ट्रू पी और अ फॉल्स एफ। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है उसको आपको पढ़ना है, अगर वो सही है तो ट्रू लिखना है, अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है। पहला है मेटल पिंस आर बायोडिग्रेडेबल। ये कह रहा है जो मेटल पिंस होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी कि उनको नेचर में हम हार्मलेस सब्सटेंस में ये बदल जाती है। तो क्या मेटल पिंस बदलती है, नहीं, मेटल पिंस किससे, मेटल से बनी होती है और मेटल चेंज नहीं होता है, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। उसके बाद सेकेंड है कंपोस्ट कैन बी यूज एज अ मैनर। ठीक है, जो कंपोस्ट होती है उसका यूज हम इस्तेमाल खाद के रूप में कर सकते हैं, हाँ हमने पढ़ा था किसमें, डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, यानी जो कंपोस्ट किससे बनती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल के पील से, एग शेल से, जो सूखी पत्तियां होती है उन सब से, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। कंपोस्ट कैन बी यूज्ड एज अ मैनर, जो कंपोस्ट होता है उसका खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ, तो इसलिए हम लिखेंगे ट्रू। एग शेल्स आर बायोडिग्रेडेबल, यानी जो एग शेल्स होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है, हाँ, एग शेल्स भी क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। फिर फोर्थ है वाटर शुड बी अलाउड टू स्टेजनेट अराउंड द हाउस, यानी जो पानी होता है उसको घर के आसपास इकट्ठा होने देना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर इकट्ठा हो जाएगा तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती है। फिफ्थ है गार्बेज इन अनकवर्ड बीन्स कैन कॉज डिजीज लाइक कॉलेरा और एंड डायसेंट्री, यानी ये कह रहा है जो कचरा जिसे हम अनकवर्ड बीन्स में, यानी बिना ढके हुए जो कचरा होता है जिस पर ढक्कन नहीं होता उसके अंदर डालते हैं, तो क्या हमें कोलेरा और डायसेंट्री जैसे रोगों का कारण ये कचरा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रू फॉल्स की बात। अब है थर्ड क्वेश्चन क्रॉसवर्ड पजल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल क्या है देखते हैं, अक्रॉस एंड डाउन। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और आंसर देना है। अक्रॉस यानी
इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये तो हो जाएगा अक्रॉस, और डाउन क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे। तो अक्रॉस के क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट विच कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्पेलिंग क्या है, अक्रॉस में, तो इसकी स्पेलिंग भी अक्रॉस में लिखेंगे। वन नंबर क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ये जो वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिड है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको अपन फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, यानी उसका इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं। तो ये कौन हो सकता है, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक का हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लास्टिक। उसके बाद अब डाउन में क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, डाउन यानी नीचे, अ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट विच इज रिसाइकल्ड। अब ये कह रहा है कि ये ऐसी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल है और इसका रिसाइकल अपन इसको कर सकते हैं। प्लास्टिक तो क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कह रहा है एक बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है जिसका हम, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, रूप बदल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर है, डाउन की स्पेलिंग ऐसे आएगी, तो ये हो सकता है पेपर, पी ए पी ई आर, पेपर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, यानी ऐसा रोग जो इससे मच्छरों से होता है, जिसका कारण कौन होता है, मच्छर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसमें, अक्रॉस, अक्रॉस कहाँ से होता है, लेफ्ट से राइट टू राइट की ओर। तो ये हो सकता है डेंगू, डी ई एन जी यू ई, डेंगू। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ डाउन में, ठीक है, ऊपर से नीचे, अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग टबलर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जिसका यूज टबलर्स बनाने के लिए किया जाता है। तो नॉन मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है, जैसे प्लास्टिक तो अपन ने लिख दिया, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो गया। अब यहाँ पर लिखना है हमें फोर्थ से, तो यहाँ पर जी आया हुआ है, सबसे पहला मीनिंग क्या है, जी। तो जी से ऐसा कौन सा हो सकता है, ग्लास, ठीक है, जो ग्लास यानी कांच होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और इसका इस्तेमाल टबलर बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है किसमें, अक्रॉस में, इट रिसीव्स लिक्विड वेस्ट फ्रॉम ड्रेन्स। अब ये क्या कह रहा है कि ये नालों से लिक्विड वेस्ट को रिसीव करता है, ठीक है, क्या करता है, रिसीव करता है। तो कौन कर सकता है रिसीव, सीवेज, ठीक है, यानी कि सीवरेज, सीवरेज की जो लाइन होती है, जो हमारे घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है लिक्विड के फॉर्म में, तो वो सीवरेज के थ्रू रिसीव हो जाता है, ठीक है, सीवेज इंग्लिश में बोलते हैं और सीवरेज हिंदी में कहेंगे। अब उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, अ गैशियस डोमेस्टिक फ्यूल कॉमनली यूज्ड इन विलेज, यानी एक ऐसा घरेलू ईंधन है जो कैसा है, गैशियस यानी गैस जैसा है और गांवों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, चैप्टर में पढ़ा था बायोगैस, बायो गैस, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉसवर्ड पजल जो था वो पूरा हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन था अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट विच कैन बी रिसाइकल्ड, यानी ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि सॉलिड है और इसको अपन वापस रिसाइकल कर सकते हैं, ये था प्लास्टिक। फिर सेकंड, अ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट विच इज रिसाइकल्ड, यानी ऐसा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसका इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं, तो वो है पेपर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, यानी ऐसा रोग जो मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है, तो डेंगू जो होता है वो मच्छरों से फैलता है। फिर फोर्थ है, अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग टबलर्स, यानी ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जिसका इस्तेमाल टबलर बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लास। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, इट रिसीव लिक्विड वेस्ट फ्रॉम ड्रेन्स, ये नालों से जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको क्या करता है, रिसीव करता है, यानी उसके अंदर ये जो वेस्ट है ना, लिक्विड वेस्ट, वो ड्रेन यानी नालों के माध्यम से इसमें जाता है, तो सीवेज में जाता है।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीवेज। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, अ गैशियस डोमेस्टिक फ्यूल कॉमनली यूज इन विलेज, यानी ये एक घरेलू ईंधन है जो कैसा है, गैशियस है और आमतौर पर गाँवों में इस्तेमाल होता है। तो इसका सही उत्तर है बायोगैस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ किताब में ही करना है। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सेशन। तो प्रोजेक्ट सेशन हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो चैप्टर में पढ़ा वो ही इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। 40% ऑफ अवर म्यूनसिपल गार्बेज इज मेड अप ऑफ किचन एंड गार्डन वेस्टेज, यानी ये कह रहा है कि जो नगर निगम के पास जो कचरा होता है उसमें से 40% कचरा ऐसा होता है जो कि घरों में गार्डन से या फिर रसोई से निकलता है। और सेकेंड अमेजिंग फैक्ट है, रिसाइकलिंग एंड एल्यूमिनियम कैन सेव इनफ एनर्जी टू रन ए टेलीविजन सेट फॉर 3 आवर्स, यानी ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम को रिसाइकल करने से इतनी एनर्जी मिल जाती है जो किसी टेलीविजन को 3 घंटे तक चलाने के लिए हमें मिल सकती है। ठीक है, अब देखो ये तो प्रोजेक्ट सेशन है, जो चैप्टर के बारे में पढ़ा वही यहाँ पर दे रखा है और हम इसको आगे से भी आमतौर पर नहीं करते हैं। तो इस तरह से चैप्टर पूरा हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने आज की क्लास में किए। तो एक बार फिर से किस तरह से आपको काम करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज हमने क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, मेंशन 2 वेज ईच ऑफ रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग द वेस्टेज। अगर आपको रीयूजिंग और रिड्यूसिंग किसी वेस्ट को वापस इस्तेमाल करना है और उसको कम करना है तो उसके 2 तरीके आपको बताने हैं। तो पहले कम करने का तरीका, 2 वेज ऑफ रिड्यूसिंग द वेस्टेज आर कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग फॉर शॉपिंग। अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना है तो आप क्या करो, या तो जूट बैग या फिर कपड़े की थैली लेके जाओ। सेकंड है अवॉइड ईटिंग फूड पैक्ड इन प्लास्टिक बॉक्सेस, यानी प्लास्टिक बॉक्स के अंदर जो फूड पैक होता है उसको नहीं खाना चाहिए। फिर 2 वेज ऑफ रीयूजिंग द वेस्टेज आर, ठीक है, अगर आपको किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को रीयूज करना है, उसका फिर से इस्तेमाल करना है, तो उसके 2 तरीके हैं। यूज एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स एंड जार्स फॉर स्टोरिंग फूड, अगर आपको फूड को स्टोर करना है तो खाली जो प्लास्टिक की बॉटल्स या जार्स होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, फूड को स्टोर कर सकते हो। और सेकंड, यूज क्लोथ नैपकिंस एंड हैंड कर्चीफ्स इंस्टेंट ऑफ पेपर टिश्यू फॉर वाइपिंग हैंड्स, हाथ पोंछने के लिए आप पेपर टिश्यू की जगह कपड़े की नैपकिन या फिर रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन बाय रिसाइकलिंग, नेम एनी टू वेस्टेड दैट कैन बी रिसाइकल्ड। अब आपको बताना है कि आप रिसाइकलिंग से क्या समझते हो और ऐसे 2 वेस्ट जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी फिर से उनका यूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग यूजेबल वेस्ट मटीरियल्स एंड यूजिंग देम फॉर मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो रिसाइकलिंग क्या होती है, जिसमें काम आने वाला ऐसा कचरा जिसका इस्तेमाल करते हुए हम नया प्रोडक्ट बना देते हैं। और ऐसे 2 कौन कौन से वेस्ट हो जाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक और एल्यूमिनियम आर 2 वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड, इनको हम वापस रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी इनसे नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग, यानी रिसाइकलिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आंसर लिखेंगे, रिसाइकलिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ अ रॉ मटेरियल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, यानी रिसाइकलिंग क्या करता है, नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल निकाला जाता है उसके अमाउंट को कम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 1 लाइन लीव करके, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अ ट्रू टी और फॉल्स एफ। अब स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे जाएंगे, उनको ट्रू है या फॉल्स वो बताना है। मेटल पिंस आर बायोडिग्रेडेबल, यानी जो मेटल पिंस होती है क्या वो बायोडिग्रेडेबल होती है, जैसे मैंने आपको बताया नेचर में खुद से ही हार्मलेस सब्सटेंस में बदल जाती है, तो नहीं बदलती, इसलिए हम लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड है, कंपोस्ट कैन बी यूज एज अ मैनर, यानी जो कंपोस्ट होता है उसका इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रू। एग शेल्स आर बायोडिग्रेडेबल, यानी जो अंडों के कवच होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हाँ, क्योंकि ये नेचर में खुद से ही हार्मलेस सब्सटेंस में बदल जाते हैं। फोर्थ है, वाटर शुड बी अलाउड टू स्टेजनेट अराउंड द हाउसेस, यानी घर के आसपास हमें पानी को इकट्ठे होने देना चाहिए, नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। और फिफ्थ है, गार्बेज इन अनकवर्ड बीन्स कैन कॉज डिजीज लाइक कॉलेरा एंड डायसेंट्री, यानी अगर हम कचरे को अनकवर्ड बीन्स, यानी ऐसा कचरे का डब्बा जो ढका हुआ नहीं हो, जिसके ऊपर ढक्कन नहीं हो, उसमें डालेंगे तो क्या ये कॉलेरा और डायसेंट्री जैसे रोगों को कारण बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, इसलिए हमने लिखा ड्रू। तो इतना ही वर्क है आपकी कॉपी का, ठीक है, जो हमने पजल किया था क्रॉसवर्ड पजल, वो सिर्फ आपको बुक में ही करना है। तो इस तरह से आज की क्लास में चैप्टर नंबर 15 वेस्ट डिस्पोजल
पूरा हो चुका है। आशा करूंगी कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और साथ ही साथ किस तरह से क्वेश्चन आंसर क्या क्या थे उनके आंसर भी मैंने आपको समझाए हैं वो भी आप अच्छे से समझे हो और अपना काम भी समय पर आप अपनी EVS की नोटबुक में कर लोगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।